प्रिय अजीत जी डोभाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी और एयर चीफ मार्शल श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर चित्रा राजगोपाल, डीजी एसएम श्रीमती गार्गी कौल, सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस श्री सुभाष चंद्रा, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन डीआरडीओ के डिफरेंट लैब्स के डायरेक्टर्स, डीआरडीओ समुदाय के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, पहली बार ऐसी डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने का मुझे अवसर मिल रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले की जो स्पीच रही है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की रही हो, चाहे हमारे तीनों फोर्सेस के चीफ्स की रही हो, हमारे लिए वह बहुत ही एडुकेटिव थी। नए आइडियाज, नए सजेशंस, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में मैं भाग ले रहा हूं। मिनिस्टर के रूप में तो बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के रूप में बामुश्किल 4 महीने हुए, लेकिन डीआरडीओ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, डीआरडीओ में प्रेजेंटेशंस भी हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि डीआरडीओ में भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए जितने भी स्पीचेज हुई हैं, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सारी स्पीचेज को सुन रहा था, और आपके सेक्रेटरी डीआरडीओ डॉक्टर सतीश रेड्डी से तो बराबर बातचीत होती ही रहती है, इसलिए मैं उनकी स्पीचेज की और उसके जो कंटेंट्स थे उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। और आज जिस व्यक्ति के कारण, जिस शख्सियत के कारण दुनिया के चुनिंदा न्यूक्लियर पावर वाले देशों में हमारा भारत आकर खड़ा हुआ है, उसकी बर्थडे है, उसका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो मैं अब्दुल कलाम साहब की स्मृति को, उनकी मेमोरी को नमन करता हूं और साथ ही अपनी में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही डीआरडीओ द्वारा आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के 80th बर्थ एनिवर्सरी में आकर मैं अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मित्रों, आपने संभवतः यह सुना होगा कि डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें, सभी संभावित स्रोतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, कड़ी मेहनत करें और कभी भी बाधाओं से हार न माने, हमेशा बाधाओं को हराएं और सफल बने। डॉक्टर कलाम इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। देश के स्पेस रिसर्च एंड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनके योगदान ने भारत को उन टॉप कंट्रीज की सूची में लाकर खड़ा किया जिन्हें उनकी स्वदेशी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, और इसी कारण से डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम अपनी खोजों से हमेशा इस देश के एम्पावरमेंट और इसके डेवलपमेंट पर बल देते रहे हैं, और इसीलिए वे हमारे जीवन के लिए और सदैव एक प्रेरणा के केंद्र रहेंगे, और हमारे जीवन के लिए वही एक मिसाल बनकर रहेंगे। आप इन सब तथ्यों से भी शायद अवगत होंगे कि परिवार पालने के लिए रोज सवेरे अखबार बांटने से लेकर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रमुख बनने एवं भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन देश की निरंतर प्रगति के लिए ही समर्पित किया। उनका जीवन हम में से सभी लोगों के लिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, एक प्रेरणा का स्रोत है। ठीक उसी प्रकार डीआरडीओ के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होने और उसकी प्रगति भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। एक मिशन मोड संगठन के रूप में यह स्थापित डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर कलाम के जीवन के समान धारा के विपरीत तैरने की भारत की क्षमता और साहस को भी सिंबलाइज करता है। तमाम प्रतिबंधों, सीमित स्वदेशी क्षमता और समय की कमी की चुनौतियों के बीच डीआरडीओ
कई प्रकार के सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में सफल रहा है, जिनमें से अधिकांश इस समय प्रोडक्शन में है। डीआरडीओ ने देश को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ सशक्त बनाया है और हमारे रक्षा बलों को इंटरनेशनली कंपिटिटिव सिस्टम से भी लैस किया है। पिछले 6 दशकों में इसने हमारे रक्षा बलों को मॉडर्न वेपन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के माध्यम से उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी सक्षम बनाया है। मैं इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तहे दिल से डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी एवं सभी वैज्ञानिकों की सराहना करता हूं और साथ ही उन्हें मैं बधाई भी देता हूं। मित्रों, डीआरडीओ के 41 डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना मेरे लिए निश्चित रूप से बेहद खुशी की बात है। मुझे बताया गया है कि आप सब विभिन्न कंटेम्पररी इश्यूज पर यहां बैठकर 2 दिनों तक ब्रेन स्टार्मिंग करेंगे। वास्तव में यही हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मैं आप सभी और आपके जरिए डीआरडीओ समुदाय से डॉक्टर कलाम के वर्क इथोस को एडॉप्ट करने का अनुरोध करूंगा। यह उनकी लगन एवं दृढ़ प्रतिज्ञा का ही यह परिणाम है कि भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में आने वाले अनेक चैलेंजेस को ओवरकम किया और अनेक अवरोधों को दूर करते हुए भारत को डिफेंस सिस्टम्स में श्रेष्ठता दी है। उन्होंने बड़ी सोच और बड़े सपने देखने का साहस किया था। आज उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन हमें उनसे प्रेरणा लें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उनके सपनों को साकार करने का भी संकल्प लें। मित्रों, वैश्विक परिवेश बदल रहा है और डिफेंस में अभूतपूर्व गति से एडवांस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का उद्गम भी हो रहा है। ऐसे में हमें अपनी रिसर्च पर फोकस करके विश्व में डिफेंस टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल लीडर की तरह उभरना ही होगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम लगातार इम्प्रूवमेंट करके टेक्नोलॉजी में ऑपरेशनल सुपीरियरिटी अपनी बनाए रखें। अब समय आ गया है कि हम अपनी निर्भरता इम्पोर्टेड सिस्टम्स पर कम करें और ऐसे इंडिजिनस इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करें जिससे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हम जल्द ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। आप सब यह भी जानते होंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। साइंस और टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट ने लोगों को जीने, जुड़े रहने, संवाद करने और लेन देन के तरीके को बदल दिया है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को लंबे समय से अपनाया है और आजादी के बाद से भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का निरंतर प्रयत्न किया है। यह प्रयास ट्रेडिशनल स्किल्स को उन्नत बनने के लिए किया गया है ताकि उन्हें रेलेवेंट और कंपटीटिव बनाया जा सके और साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांस क्षेत्रों में एडवांस कैपेबिलिटीज को भी डेवलप किया जा सके। साइंटिफिक नॉलेज, इनोवेशन, हाई टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्कफोर्स इस नए युग की करेंसी है और बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रयास नई नॉलेज का पता लगाते हैं जिनका उपयोग सिविल और मिलिट्री दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस प्रकार इनोवेशन इन्वेस्टमेंट लाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को बेहतर वैल्यू भी प्रदान करता है, यानी यह एक विन विन सिचुएशन बनाने में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। और मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि डीआरडीओ ने उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह भी खुशी की बात है कि उद्योग को विक्रेता की बजाय विकास का भागीदार बनाने की यह हमारी प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ रही है
और इस संदर्भ में मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं डीआरडीओ आया था तब मुझे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया गया था, और इन्हीं प्रयासों के कारण मैं मानता हूं कि आज भारतीय उद्योग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफी सक्षम बन चुका है। बरसों से पॉलिसी मेकर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को कैसे गति दी जाए और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। हमारी सरकार ने विभिन्न प्रोग्राम्स जैसे मेक इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, स्किल्स एनहांसमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का बराबर प्रयत्न किया है। मैं चाहता हूं आप सब विचार विमर्श करके यह बताएं कैसे इन नीतियों को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसे सफल बनाया जा सकता है। आप सबकी कोशिशों से ही भारत एक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर की श्रेणी में आ सकता है जिसके मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स होंगे। मुझे खुशी है कि इंडस्ट्री एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बीच सिनर्जी एस्टैब्लिश करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा एक नई डीआरडीओ वेबसाइट का लॉन्च, एक कंपेंडिया का रिलीज भी किया गया है। मित्रों, इंडिजिनस इनोवेशन इकोसिस्टम न केवल रिसर्च से आमदनी का साधन बनता है बल्कि यह यंग माइंड्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करने और साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास में तेजी लाने के लिए भी यह आवश्यक है। मुझे खुशी है कि इस लक्ष्य को के मद्देनजर डीआरडीओ ने डेयर टू ड्रीम कंटेस्ट का आयोजन किया है। मुझे बताया गया है कि इस कंटेस्ट में 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया और उनमें से चुने गए कुशल विजेताओं को मुझे आज सम्मानित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी प्रतियोगियों को तहे दिल में हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ऐसे निरंतर प्रयासों की वजह से ही यंग मिलेनियल्स ज्ञान से जुड़े रहते हैं और देश की प्रगति का वह हिस्सा भी बनते हैं। डीआरडीओ ने अपनी भूमिका निभाई है जिसकी वजह से जिन चैलेंजेज के ऊपर सॉल्यूशन प्रदान हुए हैं उससे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक नई जान आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर कलाम भी बच्चों में साइंटिफिक टेंपर डेवलप करने के हमेशा पक्षधर रहे हैं। डीआरडीओ भारत की रक्षा में इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की खोज का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डीआरडीओ स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की क्षमता में आत्मनिर्भरता की प्रोग्रेसिव इन्हांसमेंट के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मुझे खुशी है कि विश्व स्तर के वेपन्स प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स जैसे कि कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, सोनार, टॉर्पीडो, ब्रिजिंग सिस्टम, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सेंसर, एनबीसी टेक्नोलॉजी, पैरासूट्स, कॉम्बैट फ्री फॉल सिस्टम, प्रोपेलेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स, डिटोनेटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड साइबर सिस्टम्स आदि को डिलीवर किया है जो रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मददगार साबित होता है। मित्रों, साथ ही डीआरडीओ द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार सृजन करने में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खासकर लेह एवं लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में जहां मुझे जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, वहां पर नियुक्त सैन्य दलों को सहयोग देने के साथ साथ वहां की स्थानीय जनता को भी सहयोग प्रदान करने में डीआरडीओ के योगदान को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ का योगदान विश्व में एक विशिष्ट उदाहरण है। डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्थानीय आबादी की आर्थिक सशक्तिकरण यह भी प्रशंसनीय है और मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं कि डीआरडीओ ने
100 डेज के लिए सुनिश्चित किए गए लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मैं इसके लिए डीआरडीओ को बधाई भी देना चाहता हूं। यह भी उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ ने अगले 5 वर्षों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णय लिया है और इस टारगेट को सेट करने के लिए भी मैं डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से तहे दिल में बधाई देता हूं। और आपको ऐसी टेक्नोलॉजी पर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो अगले 15-20 वर्षों के लिए रेलेवेंट रहें और कटिंग एज कैपेबिलिटी भी प्रदान करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज करने के लिए टेक्नोलॉजी गैप को जल्द से जल्द भरना ही होगा, परंतु हमें यह भी मालूम है कि टेक्नोलॉजी की भी अपनी सीमाएं भी होती हैं एवं प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट का एक जेस्टेशन पीरियड भी होता है। ऐसे में संभव है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम के जेस्टेशन पीरियड के दौरान नई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उत्पन्न हो जाएं। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम्स के लिए स्पायरल डेवलपमेंट के अल्टरनेटिव को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमें यह भी प्रयास करने की आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम इफिशियंट होना चाहिए। मित्रों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी दिशा सही हो इसके लिए मैं मानता हूं कि अनिवार्य है कि डीआरडीओ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंटेंस इंटरेक्शन करे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सलेंस के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाए जिसे हम सब मिलकर पूरा करें और भारत को डिफेंस कैपेबिलिटी के जिस हाइट तक हम ले जाना चाहते हैं उस हाइट तक हम ले जाएं। यही डॉक्टर कलाम को मैं समझता हूं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं यहां पर एक डॉक्टर कलाम का वो कोट कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आप उस सूरज की तरह आपको जलना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कोट मैं मानता हूं डॉक्टर कलाम का। यदि हमें आगे कुछ करना है तो हमें अपनी भी जिंदगी खपानी पड़ेगी और मुझे गर्व है, गौरव की अनुभूति होती है हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर कि सचमुच भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में जिस एक कमिटमेंट के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ वह काम कर रहे हैं उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। कलाम साहब के इस संदेश के साथ साथ आप सभी को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबको अपने हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।